అమ్మా అమ్మా సరే 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 డాక్టర్ గారు సరే హాస్పిటల్ అమ్మా 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 छोड़ के जा सकती है आपको अंजना अंजना आके खोलो अंजना अंजना सीन जरा पूछ लीजिए तू पूछ ले हाँ वेदिका वैसे भी जाने वाली थी आज साहिल के घर पे उसे कहने या साहिल से मिलने वाली थी और कहने वाली थी कि आज
फाइनली मैं तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट करना करने की मुझ में हिम्मत आ गई है. और वो थोड़ी सी स्केप्टिकल भी थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने महीनों से उसने अपने दिमाग में ना 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 भरा हुआ था. पर आज उसने डिसाइड कर लिया इस बच्चे की वजह से. और उसने देखा कि उसकी साहिल की माँ आई है शगुन की थाल लेके, तो ऑफकोर्स वो बहुत इमोशनल हो गई. और लेकिन वो अंजना जी से शेयर कर रही है कि वो अभी भी डर रही है इस चीज़ को लेके. और अंजना जी को पता नहीं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है. और वेदिका बोलती भी है कि आप यहाँ पे मत खड़े रहिए, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी वानी देती हूँ. लेकिन वो इतनी एक्साइटेड है और वो गिर जाती है स्टेकेस से, और स्टेकेस से गिर के वो मर जाती है. यूजुअली स्टेकेस से गिर के ऐसे कोई मरता नहीं है, बट पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है कि वो मर गई. और फिर ऐसा विजुअली ऐसा लगता है जैसे मैंने धक्का मारा. और तो फिर सारे रिपोर्टर्स बड़ी अम्मा सब आ गए, आई एम श्योर ये बड़ी अम्मा का खेल है. और वो सब आ गए और ऐसा लगा कि वेदिका ही है सब चीज़ के पीछे. और पुलिस को लेकर आई है वो, और पुलिस वेदिका को लेकर चली गई. ये लास्ट क्वेश्चन है ना. हाँ जल्दी सॉरी क्वेश्चन. हाँ, हीरोइन खुश हो वो सबको अच्छा नहीं लगता. विलेन हमेशा होता है ना, तो अगर सब कुछ खुशी खुशी चले तो फिर वो नमक नहीं आता है उसमें, मज़ा नहीं आता. तो इसीलिए जब भी कुछ अच्छा होने वाला आता है कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश होती है.